आरक्षण का मतलब नहीं समझते आप? नहीं, जानकारी नहीं। बढ़ेगा आरक्षण का क्या मतलब? अति पिछड़ा आरक्षण के मतलब है, अति पिछड़ा को जो वो मुकेश जी ने बोल रहे हैं, इसीलिए तो उनको बीजेपी से हटाया गया है। शिक्षा नहीं दीजिएगा, हम लोग कमा के आते हैं 10 रुपया, तो हम शिक्षा 10 रुपया में शिक्षा देंगे। सरकारी पढ़ाई सरकार को पता नहीं है? नहीं, आप बताइए। पैसे वाला स्कूल प्राइवेट में पढ़ रहा है, सरकारी में गरीब के बच्चा पढ़ रहा है। क्या स्थिति है पढ़ाई की बताओ? टीचर जो है कुर्सी पे पैर रख के सोया हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, यही पढ़ाई है। सरकार खिचड़ी खा रहे हैं, जाओ हैं। सरकार को पता नहीं है। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। क्या नाम है? अजय चौधरी। कितने पढ़े लिखे हैं? हम नॉन मैट्रिक है। अच्छा, एक बात ये बताइए, जो आपके क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरियाँ वगैरह कुछ सरकार कर रही है कि नहीं? क्या चीज? नौकरियाँ। नौकरी कर रहा है जी? नौकरी यहाँ पर तो एक भी नहीं है। एक भी नौकरी नहीं है। इतना दिया पोता पढ़ा हुआ, सुनिए, एक बीए है, मीए है, सब कुछ खाए, बाकी हमारा ये जो बीए के ग्रेजुएट करके बच्चे बहुत इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, नौकरी के कोई ये नहीं है। आज एग्जाम लेता है, 5 साल बाद उसका सिलेक्शन आता है, 5 साल बाद कहता है, बताइए, जो तुम्हारा जो है उम्र ही ढल चुका है। मंत्री जो है वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि आरक्षण अति पिछड़ों का बढ़ाया जाए, आप अति पिछड़े में आते हैं ना? इस बारे में हमको नॉलेज नहीं है। हाँ, नहीं, ये बताइए कि अगर आरक्षण बढ़ता है तो उससे क्या लाभ होगा? आरक्षण समझते हैं क्या? आरक्षण के बारे में हमको नहीं पता है। आरक्षण का मतलब नहीं समझते आप? नहीं, जानकारी नहीं। बढ़ेगा आरक्षण का क्या मतलब? अति पिछड़ा आरक्षण के मतलब है, अति पिछड़ा को जो वो मुकेश जी ने बोल रहे हैं, इसीलिए तो उनको बीजेपी से हटाया गया है, जो मांग कर रहे थे अति पिछड़ा को। आरक्षण आरक्षण की, गरीबों के लिए आरक्षण की मांग करेंगे, भाजपा हटा देती जी, इसी के वजह से मुकेश जी को हटा दिया गया, कि वो खोजने वाले थे, वहाँ पर लड़ने वाले थे, सोचा कि बीजेपी वाले ऊपर से नीचा तक उन्हीं का सरकार है, इसीलिए उनको मैंने कहा कि नहीं रहेगा, इसलिए हटा दिया गया कि नहीं। मेरा तो नहीं आ रहा, ठीक दिख रहा है? नहीं, मांगेंगे, कोई लड़ने वाले होंगे। आरक्षण आरक्षण का क्या मतलब है? आरक्षण का मतलब है कि बाल बच्चा का शिक्षा दीजिए, शिक्षा नहीं दीजिएगा, हम लोग कमा के आते हैं 10 रुपया, तो हम शिक्षा 10 रुपया में शिक्षा देंगे।